पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइन 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। हालांकि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। अनलॉक 3 के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि किन किन चीजों पर पाबंदी हटा दी गई है और किन चीजों पर पाबंदी बरकरार है। रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। योग संस्थान जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोरोना के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जाएगी। सामाजिक दूरी के पालन और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वास्थ्य दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखा गया है। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी।